मुश्किल जा रहा हमारे लिए, मुश्किल को हमें कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आज इस सेमिनार में आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को और अपने तमाम मौजूद मेहमान को शामिल करता हूँ। तकलीफ का बाकायदा आगाज अदालत इकनॉमी पाक से करते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा फर्स्ट ईयर ICSA के माजी अधीन से कि वो आए और अदालत इकनॉमी पाक से आज की स्थिति का आगाज करें। माजी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم कोई मयारे दो आलम बनता ही नहीं था, कोई मयारे दो आलम इस वास्ते भेजे गए सरकारे दो आलम। तलावत इकनॉमी पाक के बाद नाकी सादत हासिल करने के लिए मैं ICS ने फर्स्ट ईयर से ही अली सुल्तानी से मुंतबिस होते वो आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत के फूल बिछाने थे। अली सुल्तानी ICS से फर्स्ट ईयर सवाल हुए
रोजे की जारी दुआ के लिए उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली दुआ के लिए ना उठते तो कैसे ना ये तकरीब का यानी आज के सेमिनार का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं ये बताता चलूँ कि ये जो आज का सेमिनार है बेसिकली क्रिस्टल कॉलेज का जो हमारा कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है उसके बिहाव पर ये सारे का सारा सेमिनार अरेंज किया गया है। कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट को हमारा एक पूरा पैनल है इसमें जो डिफरेंट सेगमेंट्स में बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स पर गाइड करता है और उनके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए और बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके उनको गाइड भी करेगा और उनको ऑप्शंस भी बताएगा। इब्तदा में मैं थोड़ा सा पहले अपने पहले गेस्ट को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा मैं थोड़ी सी एक जो तमहीदी गुफ्तगू है वो करूँगा कि आपको समझ आए कि बुनियादी तौर पर इशू है क्या जिसकी वजह से ये सेमिनार कंडक्ट किया गया। बात यह है कि हमारा आज का जो थीम है वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है और वो थीम है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपकी जो डेवलपमेंट है वो हमने करनी है किसके साथ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ। अब ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट तक पहुंचने के दो फेजेस हैं। पहला फेज आपकी एजुकेशन से रिलेवेंट है, दूसरा फेज जो आपका है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जाहिर है आप अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट करेंगे, अगला फेज आपका ये होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑप्शन देखेंगे कहाँ मैंने जाना है। मसला ये है कि हम जिस मुल्क में जिंदा है वहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले कई सालों से बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि जब से पाकिस्तान बना है इस हवाले से हमेशा स्पेस रहा है। बच्चों को गाइड करने के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, मैट्रिक के बाद ऑप्शन क्या क्या हैं, तीन चार गिनी चुनी ऑप्शन के अलावा बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ हमें जाना है, ऑप्शन क्या है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि जाहिर है कि हमारे पास जिन लोगों ने आना है जो हमारे इस पैनल का हिस्सा है वो थोड़ी इस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, इश्यूज हैं क्या और उसके लिए क्या क्या हम आपको ऑप्शन देने वाले हैं। तो ये वो सेगमेंट है जो राइट फ्रॉम डे वन जब से पाकिस्तान बना है जिस पर लोग काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कोई इदारा नहीं है, छोटे मोटे लेवल पर हर बंदा काम कर रहा है, मसाइल वैसे के वैसे हैं। पाकिस्तान को बने हुए इतने साल गुजर गए, आज भी वो बुनियादी मसला वहीं खड़ा है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है, हमारा सेगमेंट क्या होना चाहिए। बच्चे अपने कजन्स की वजह से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आप उनसे कितने डिफरेंट हैं। आपके कजन के अंदर कोई और स्किल होगा, आपके अंदर कोई और पता हो सकता है, आप बिल्कुल एक बिल्कुल सेपरेट एक इंडिविजुअल हैं और आपकी जो क्वालिटीज हैं वो दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दूसरा एक और बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जिनके नंबर्स में है वो कोई ढाई नालायक दुनिया के लोग हैं, बिल्कुल नहीं है। इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। हमारे पास एक लंबी लाइन है, इतने नाम हैं मैं गिरवा गिरवा के थक जाऊँगा जो अपनी जिंदगी के इनिशियल फेज में बहुत नाकाम हुए, जिनको बाकायदा कॉलेज और यूनिवर्सिटी से धुतकार कर निकाला गया कि यार तुम इंतहाई निकम्मे हो और उन लोगों ने प्रूव किया कि हम निकम्मे नहीं हैं। बिल गेट्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं। उन लोगों को इनिशियल फेज में इन चीज़ों का सामना करना पड़ा कि यार हमको निकम्मे हैं, हम पढ़ नहीं सकते। मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी विराट कोहली से या बाबर आजम से किसी ने पूछा कि भाई एफएससी में तुम्हारे कितने नंबर थे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल
हाफिज आजम का जो स्किल है या जहाँ तक वो जीनियस है वो उसका एक अलग सेगमेंट है, वो उसकी गेम है जो उसकी टिकटिंग एबिलिटीज है। इसी तरह कोई और बंदा है जिसके अंदर बिजनेस के बहुत अच्छे स्किल है, जैसे मैंने बिल गेट्स की बात की, तो आप उसके नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे ये कोई दाहिर नालायक स्टूडेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम उस बंदे के अंदर एक और सेगमेंट की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज है। तो ये जो सेल्फ बिलीफ है बुनियादी तौर पर यही आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा। और उसके बाद आगे आपने क्या करना है, डायरेक्शन ढूंढनी है। हमारे यहाँ डायरेक्शन ही नहीं मिलती, हमें अपनी समझ का नहीं पता कि हमने जाना किस तरफ है। मैं एक शेर से कोशिश करूँगा आपको बात समझाने की कि हमारे पाँव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल। मसला ये है कि हमारी डायरेक्शन ही मिसिंग है। तो हम आज के इस सेगमेंट में, आज के सेमिनार में, जो कि मुस्लिम कॉलेज के काउंसलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट किया गया है, और मैं यहाँ ये बात भी ऐड करता चलूँ कि मुस्लिम कॉलेज की हमेशा से कोशिश नहीं है कि अपने बच्चों को ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से बल्कि उनके फ्यूचर के हवाले से, जहाँ उन्होंने जॉब्स लेती हैं या ऑप्शन जो भी किया है मैट्रिक के बाद, उन तमाम चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अवकात पर गाइड करते रहें ताकि वो अपने आने वाले दिनों में एक अच्छे शहरी भी बन सकें और एक कामयाब जिंदगी भी गुजार सकें। तो मैं आज की इस तकनीक का बाकायदा आगाज आज के पहले मेहमान से करूँगा, मेहमान तो नहीं कहूँगा, हमारे स्केडियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट के रूहे रवा हैं, एम फिल मैथमेटिक्स हैं, बच्चों को डिफरेंट बातों से वो गाइड करते रहते हैं, कैरियर काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैथ उनका सब्जेक्ट है, और आज के हमारे लिए पहले मुकर्रर हैं। वो बेसिकली आपको आकर ये बताएंगे कि मैट्रिक के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, उन पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। आपकी बहुत सारी तारीफों में मैं इनवाइट करूँगा जनाब गौरव रईस को कि वो आए और आपको मैट्रिक के बाद ऑप्शन उनके बारे में। मुस्लिम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मिश्रा आपके सामने एक छोटी सी कहानी। नॉर्मली हम लोग सुनते थे और बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगती थी और उसके ना जो लेसन थे वो उस टाइम समझ नहीं आते थे, बट आज जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में इसी तरीके से समझ आते हैं। अगर एक शख्स लारी अड्डे पर गया, इतनी सारी गाड़ियाँ मौजूद थी, एक गाड़ी में जाके बैठ गया, दूसरा आया, तीसरा आया, गाड़ी फील हुई, गाड़ी में चलना शुरू किया। जैसे ही गाड़ी में 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया, उसके बाद एक शख्स उठा और जाके कंडक्टर से पूछ रहा है कि भाई ये गाड़ी जा किधर रही है। अब वो जो बाकी बैठे हुए थे ना वो सारे हंसना शुरू हो गए कि यार ये अजीब बंदा है, 5 किलोमीटर गाड़ी तय कर चुकी है सफ़र और आज ये पूछ रहा है कि भाई गाड़ी जा कहाँ रही है। अच्छा उसको बता दिया उसका सफ़र नहीं था, उस कह लेंगे उसकी जो मंजिल थी वो उस सफ़र पे नहीं आ रही थी। गाड़ी रुकवाई, उतर गया, 8-10 किलोमीटर गाड़ी और चली, फिर एक दो जवान उठा, उसने जाके ड्राइवर से पूछा कि भाई गाड़ी जा कहाँ रही है, उसे बताया गया, वो कहते यार मैंने तो उधर नहीं जाना था, वो वहाँ से उतर गया। अब एक जवान ऐसा भी था कि जो 25 किलोमीटर के बाद जाके पूछ रहा था कि गाड़ी जा कहाँ रही है, जब उसे बताया गया तो उसे पता चला कि उसकी भी मंजिल जो है वो इस सफ़र पर नहीं आएगी, ये सड़क उसे उसकी मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी। अब वो जाके फिर परेशान हो गया, 5-10 किलोमीटर बैक जाना तो बड़ा आसान था, अब मैं 25 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, अब यहाँ से पीछे जाना रहने बाद उसके लिए दोबारा से नई गाड़ी ढूंढनी पड़ी। अब हम लोग उन्हें कहते हैं कि वो पागल थे, बेवकूफ थे, ना समझ थे, लेकिन मिन हाइसुल कौम हमारी सूरत हाल है ये कि हम लोग 12-12 साल गाड़ियों में बैठे रहते हैं एजुकेशन की गाड़ियों में और उसके बाद आके पूछ रहे होते हैं कि सर जी मैंने करना क्या। सूरत हाल ये होती है मैट्रिक के बाद बच्चा सिलेक्शन अपनी मर्जी से नहीं कर पाता, जैसे कि सर ने कहा कजन ये पढ़ रहा था, चाचू ने ये बोल दिया था, खानदान के अंदर एक शख्स था कि जो एक फील्ड के अंदर बहुत माहिर हो गया, तो उसकी स्किल थी, उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी जो थी वो उसके साथ मैच कर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच थी, तो वो वहाँ पे अपना 100% शो कर रहा था। आपने उसकी देखा देखी उसी फील्ड पे चले गए और उस फील्ड पे जाने के बाद अब मैच नहीं हो चुकी चीज़ें, तो अब बैक होना जो था वो बड़ा मसला बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉलेज का पहले से एक तो इम्तियाज रहा है कि हर स्टेज के ऊपर
बच्चों को गाइड करता है। तो ये एक ऐसी फील्ड थी कि जिसके अंदर कमी देखी गई और हमारे प्रिंसिपल जनाब नईम आरिफ साहब के कहने के और उनके मशवरे के ऊपर और उन्हीं की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए ये सिलसिला शुरू किया गया कि बच्चा जब मैट्रिक में आ रहा है तो हम उसे मैट्रिक की एक्चुअल फील्ड्स बताएंगे, बेटा आपके पास मैट्रिक के बाद ऑप्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट जब आप लोग एफएससी आईसीएस आईकॉम से फ्री होंगे यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो देन आपके लिए एक और ऐसे सेशन का आगाज किया जाएगा, वो भी एक पूरी सीरीज होगी कि जिसके अंदर आपको ये बताएंगे कि आपने अगर मेडिकल में आपने कांग्रेस के अंदर ये चीजें पढ़नी है तो आगे यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, उनके तरीकेकार क्या हैं, कौन कौन सी फील्ड है और उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो आप बिला ताखीर जो है मैं चलता हूँ इस तरफ के मैट्रिक के बाद जो जो फील्ड पाकिस्तान में अवेलेबल है हमारा जो अभी इसमें जो फोकस होगा वो यही होगा कि वो तमाम फील्ड आपके सामने डिस्कस की जाएंगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं और जिनकी बेस के ऊपर आप अपना अच्छा फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि हम जितने भी पढ़ रहे हैं हमारे बहुत से पर्पस होंगे, बहुत से लॉजिक होंगे, लेकिन उनमें जो मेजर है वो ये कि हम अच्छे इंसान बन जाए, हम अपनी अच्छी लाइफ गुजार लें। और याद रखें अच्छी लाइफ गुजारने के लिए ना आपका पेट यानी ये फिल होना बड़ा जरूरी है, आपकी बेसिक नीड फिल होना कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी फील्ड है कि जिनमें जाके हम अपने एजुकेशन के एक्चुअल पर्पस को कंप्लीट कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलकम कर रहे हैं अगेन आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट विद द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेशन के अंदर। सबसे मेजर फील्ड मैट्रिक के बाद जो चूज की जाती है वो है प्री मेडिकल की। नेक्स्ट है हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, थर्ड वन कॉमर्स, नेक्स्ट वन है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। प्री मेडिकल जाहिर सी बात है कि जैसा मैं नाम से अंदाजा हो रहा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जो ये चाहते हैं कि वो मेडिकल की फील्ड के अंदर अपनी जिंदगी को सिक्योर करें, तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो बीएसएन नर्सिंग में जाना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फील्ड। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग जाहिर सी बात है कि जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उनके लिए ये फील्ड होती है। आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक के बाद आपके पास ये सात ऑप्शन है जिसमें से ऊपर वाले जो छह ऑप्शन है ये वो है कि जो आपको कहते हैं कि स्टडी आपने कंटिन्यू करनी है प्रॉपर डिग्री वाली स्टडी से लेकर। जो लास्ट वन है ये वो है कि जो डिग्री वाली स्टडी नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल स्किल वाली होगी, आपसे कह लेंगे डिप्लोमा। और नॉर्मली इसमें होता यह है कि इस फील्ड में जाने वाले लोग जो होते हैं ना, आप ये समझेंगे अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल रहे ना, एक घर में बनाते हैं एक मिस्त्री और एक होता है सात मजदूर, एक इंजीनियर होता है कि जो एफएससी करके जा रहा होता है, एक कहने की कांग्रेस के अंदर करके बीकॉम करके जा रहा है, एक उसके साथ हेल्पर होता है। अगर मैट्रिक के बाद आप लोग डिप्लोमे वाली साइड पे जाते हैं, आप वोकेशनल की तरफ चले जाते हैं, तो थ्रू आउट आप लेबर सेक्टर के अंदर रहेंगे, ये रूल याद रखेंगे। हाँ, बाकी जो ऊपर छह फील्ड मौजूद है इसके बाद आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल के जो मेजर हैं उनमें अगर आप बात करें सबसे पहले चीज है मेडिसिन और हेल्थ केयर के हवाले से, आप मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एमबीबीएस में जाते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन है, नेक्स्ट बैचलर ऑफ सर्जरी भी मौजूद है आपके पास, मेजर दो होते हैं एमबीबीएस, थर्ड वन पे है बीडीएस है आपके पास डेंटल सर्जरी के हवाले से, इसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी मेडिकल की और बहुत सी फील्ड मौजूद है बट वो उन्हीं के लिए है कि जिन्होंने स्टार्ट के अंदर मेडिकल उठा लिया है। आज क्योंकि एक्चुअल हमारा फोकस जो होगा वो कांग्रेस पे है, तो यहाँ हम थोड़ा सा आपको हिंट देते चले जाएंगे कि मेडिकल की कौन सी फील्ड है, इंजीनियरिंग की कौन सी है। फर्दर इंशाल्लाह जब मेडिकल के हवाले से सेशन लेंगे तो उसमें आपको मेडिकल की जो अदर फील्ड है उसके बारे में गाइड किया जाएगा। जी, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज तो देखें कौन सी चीजें मजबूत होनी चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ऐसे तमाम बच्चे के जिनको मैथ पे ग्रिप अच्छी है और जिनके फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर है, ये कहने कि जिन्हें मैथ और फिजिक्स से डर नहीं लगता ना, तो उनके लिए बेहतर है कि उन्हें मैथ इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट के बगैर इंजीनियरिंग के अंदर आपका फ्यूचर नहीं है।
नेक्स्ट यदि प्रिपरेशन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग इनकी अच्छी है, प्रोग्रामिंग भी लॉजिक पे डिपेंड कर रही होती है और तमाम लॉजिक्स जो है बेटा वो भी मैथमेटिक्स पे डिपेंड करते हैं। इसके अंदर फिर जो मेजर की बात अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, ये वो इंजीनियरिंग फील्ड हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर कह सकते हैं कि जिनका बहुत सा मैदान या कह लेंगे स्कोप अच्छा मौजूद है। बाकी जितनी इंजीनियरिंग है उसके अंदर या तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, 25-30 लाख रुपया इंजीनियरिंग के बाद भी खर्च करके आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा पाकिस्तान से, देन आप अच्छा फ्यूचर करा सकते हैं। ये वो फील्ड है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर कह लेंगे अगले 10 साल तक हम कह सकते हैं कि अच्छा स्कोप मौजूद। केमिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी इसी के अंदर शामिल होती है। ये 5 ऐसी इंजीनियरिंग है कि जिसके अंदर अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इसके अंदर स्कोर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। और अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के मेजर देखेंगे ऐसे तमाम बच्चे की जिनके ना बिजनेस में इंटरेस्ट है दुनिया के अंदर ना, जैसा वो हदीसे पाक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिजल्ट के 10 हिस्से हैं जिसके अंदर से 9 हिस्से तिजारत में कारोबार में रख दिए गए जिसको बिजनेस के नाम से जान रहे हैं यहाँ पर, और 1 हिस्सा जो है वो सर्विसेज में या मुलाजमत में रख दिया है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के जिनका इंटरेस्ट है कि यार थोड़ा सा ज्यादा भी कमाना है, सुकून के साथ भी कमाना है, तो उनके लिए कांग्रेस की फील्ड सबसे अच्छी चीज है। इसमें आप फाइनेंस और अकाउंटिंग देखते हैं, हायर एजुकेशन जो है कांग्रेस की वो सारी इसी के अंदर आएगी, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स, ये तमाम ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं या अपना कह लें कि आप फ्यूचर ड्रीम आपने बनाया हुआ कि इनमें से कोई फील्ड चूज करनी है तो इधर आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट रखने हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट को यहाँ पर आईकॉम के नाम से जाना जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो है आप ये देख लें कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, मेडिकल की है, इंजीनियरिंग के इदारा है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, हर एक इदारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स अवेलेबल होती है और उन तमाम जॉब के अंदर जो बंदे मौजूद होते हैं वो सारे काम करते हैं। जी आर्ट और ह्यूमैनिटीज की तरफ जो लोग जाते हैं उनका फ्यूचर क्या हो सकता है या उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, अगर हम उनकी बात करें सबसे पहले तो ऐसे बच्चे की जिनका लिटरेचर में इंटरेस्ट है ना, कि जिन्हें कहानियां पढ़ना सुनना, स्टोरीज लिखना, ठीक है, मूवीज ड्रामे वो अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए यह कह लेंगे जिनको ड्रामे देख के मूवियां पढ़ के नींद नहीं आ रही होती ना, तो ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट होता है कि वो लिटरेचर में चले जाए। और लिटरेचर में जाने वाले के लिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन है, एक हिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, नेक्स्ट इसी तरह सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी आपके पास है, फाइन आर्ट्स है, लिटरेचर, जर्नलिज्म, सोशल साइंसेज है, एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स आपके पास है और हायर एजुकेशन इन चीज के अंदर। मीन ये ऐसे तमाम स्टूडेंट के लिए लग रहा है कि यार हम लोग ना ये फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती, हमें मैथमेटिक्स के साथ हमारी अच्छी नहीं बनती है, ये कंसेप्ट हम नहीं कर सकते। अच्छा आप अगर आप चाह रहे हैं जर्नलिज्म में साफी बनना चाहते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप कह लें कि फैशन डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हैं या कह लें कि आप एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो फिर बेस्ट ये है कि आप अपना टाइम, आप अपनी स्किल्स जो है ना वो साइंसेज के ऊपर ना बेचें। सीधी सी बात है जिस चीज में आपने जाना नहीं है तो आपके पास जो बाकी ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का बच्चा अपना फ्यूचर खराब कर रहा होता है, गर्दन नहीं खराब कर रहा होता है। ये देख लें कि बाकी की फील्ड कम है, आर्ट्स की फील्ड ऑलरेडी ज्यादा आ रही है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कह लेंगे मेंटली तौर पे थोड़ा सा वीक है, पढ़ाई के साथ उसका इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आर्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। आर्ट्स के अंदर अगर आप आएंगे तो आपके पास इतनी सारी फील्ड मौजूद है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। जी लास्ट पे आपके पास आ रहा है जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करेंगे डिमांड है टेक्नोलॉजी को, मीन के इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन है या ऐसी डिग्री की जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो फील्ड के जिसके अंदर कह लेंगे जॉब्स ज्यादा है, अप्लाई करने वाले कम है, वो कंप्यूटर की फील्ड है। कंप्यूटर साइंस आपके पास है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर भी आप, ये मेजर इसके 3 दिखाए गए हैं, माइनर जो है वो नेक्स्ट हम सेशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइंस के अंदर एक है फर्दर स्पेशलाइजेशन, ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके बाद आप अपनी फील्ड खुद क्रिएट करते हैं, नए नए सब्जेक्ट इन्वेंट हो रहे हैं। अगर आप बात करें देखें साइंस की तो पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, एक साइंस एक आर्ट, फिर साइंस के कुछ हिस्से हुए, एक तो फिजिक्स के नाम से जाना गया, एक को मैथ के नाम से जाना गया, एक को कह लेंगे बायोलॉजी के नाम से,
फिर बायो के आगे हिस्से कर दिए, एक बायो बन गई, एक केमिस्ट्री। अब अगर केमिस्ट्री का भी ड्रॉ, तो आपने कितनी ब्रांचेस देखी है, आप फिजिक्स को ड्रॉ, उसकी कितनी ब्रांचेस है। तो बेसिक तौर पर जो एजुकेशन स्पेंड हो रही है ना, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है जनरल साइंस वालों के बेस पर, कि जनरल साइंस जो है इसी से सारी चीजें जनरेट हो रही होती है। तो जो जनरल साइंस के बंदे होते हैं, ये कह रहे हैं कि वो दुनिया को ज्यादा कुछ लेके जा रहे होते हैं। नेक्स्ट कोई एक एक्सप्लोरियर है आपके पास डिफरेंट फील्ड के हवाले से, कि आप दो या तीन डिफरेंट फील्ड को उठा के उन्हें मिक्सअप करते हैं और उससे एक नई फील्ड जनरेट कर सकते हैं जो जनरल साइंस के लोग होते हैं, और प्लस नई फील्ड या आप स्पेसिफिक फील्ड जो है, स्पेसिफिक कोई भी आप एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं और उस फील्ड के अंदर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जनरल साइंस जो है उसे हम यहाँ पर आईसीएस के नाम से जानते हैं, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स कंप्यूटर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैट है, मैथ कंप्यूटर इकोनॉमिक्स है, स्टैट कंप्यूटर इकोनॉमिक्स है। तकरीबन 5 से 6 ऑप्शन मौजूद हैं जो जनरल साइंस के अंदर आप पढ़ सकते हैं। वोकेशनल की अगर हम बात करेंगे, बट मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये नॉन गेजेटेड फोर्स होती हैं, कि जो कह रहे हैं कि आप चैंपियन स्केल के अंदर ये लोग नहीं जा रहे होते, एज ए हेल्पर ये साथ काम करते हैं, लेकिन ये कि इनके प्रैक्टिकल स्किल ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं फोर्थ कोर्सेज के अंदर, प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास ये कह सकते हैं कि जो डीप लर्निंग है या डीप ओरिएंटेशन है, वो सारी की सारी जो है वो वोकेशनल के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि वोकेशनल वाले के पास जो है एक्चुअल साउंड नॉलेज कम होता है, वोकेशनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज ज्यादा होता है। और जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि अगर घर में वो इलेक्ट्रिशियन आता है, तो जब छोटा बच्चे को काम सिखा रहा होता है, दो तारे होते हैं, कहता बेटा देख ये ब्लैक तार को हाथ में लगा, करंट लगा करता नहीं, कहता बेटा रेड वाली को नहीं लगाना उसमें करंट होता है। अब उसे ये तो पता है कि किस तार में करंट है और किसमें नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिसमें करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही है, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव टर्मिनल से आ रही है। एक्चुअल बुकिश नॉलेज उनके पास नहीं होता, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी बेस के ऊपर ये कह सकते हैं कि काफी हद तक जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है, लेकिन जो रिलेटेड फोर्सेज जितनी भी है फोर्स उनके ऊपर वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क है आपके पास, फैशन डिजाइनिंग के अंदर है आपके पास, और सिंपल डिजाइनिंग के अंदर आ। यहाँ तक तो पे मेरी फील्ड थी कि मैं आपको ये बता सकता था कि मैट्रिक के बाद कौन कौन सी फील्ड हमारे पास मौजूद हैं जिनमें आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात को क्लोज करूंगा कि देखें, कुछ भी करना है तो आपके पास माइंड होना चाहिए। माइंड के बारे में कहा जाता है कि 3 तरह के माइंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, एक होता है मीडियम। याद रखें वीक माइंड कौन से होते हैं, ऐसे तमाम माइंड की जो लोगों को डिस्कस करते हैं, यार फलां ने ये कर दिया, फलां ये कर रहा है, मामू ऐसे हैं, चाचू ऐसे हैं, फलां टीचर ऐसा है या फलां पॉलिटिशियन ऐसा है, तो जो लोगों को डिस्कस करते होते हैं, जो फैलोज को डिस्कस करते रहते हैं, याद रखें वो सारे वीक माइंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के मीडियोकर माइंड वाले। मीडियोकर माइंड वाले वो लोग होते हैं कि जो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, याद है चाचू की शादी में कितना मजा आया, यार वो सेमिनार अटेंड किया, वो देख कितनी बातें बताई थी। जो लोग इवेंट्स को डिस्कस करते रहते हैं वो बेटा मीडियोकर माइंड वाले होते हैं। और स्ट्रॉन्ग माइंड वाले कौन से होंगे, ऐसे तमाम लोग स्ट्रॉन्ग माइंड वाले कहलाते हैं कि जो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप जिंदगी में बेहतर बने, आप जिंदगी में आगे बढ़े, तो आपको अपना ना मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी हिस्ट्री भरी पड़ी है भाई, पूरा जिस्म नहीं चलता था, सिर्फ दिमाग चल रहा था स्टीफन हॉकिंग का, लेकिन उसने ऐसी ऐसी थ्योरियां दे दी हैं कि आप सोच सकते हैं, आज के दौर में आप कह सकते हैं कि वो न्यूटन था, आइंस्टाइन से ऊपर का दिमाग लेके बैठा हुआ था, सिर्फ माइंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। और माइंड स्ट्रॉन्ग कब होता है कि जब आप आइडियाज को डिस्कस करते हैं, तो कोशिश करें कि जब भी आपकी डिस्कशन चल रही हो वो डिफरेंट आइडियाज के ऊपर चल रही हो। आप जितने ज्यादा आइडियाज को डिस्कस करेंगे आप मेंटली तौर पर उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी के साथ ही अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच रामी साहब, ने डिटेल में आपको सेगमेंट्स बताए कि मेंटर के बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं, और जैसा कि हमने अपनी गुफ्तगू में आपको बताया कि मेन फोकस हमारा जो है वो कॉमर्स पर है, और कॉमर्स पर जो फोकस है तो बताया गया हम चाहेंगे कि कैसे अपने कॉम्पिटेंट स्पीकर को बुलाएं, तो कॉमर्स पर एक अथॉरिटी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कॉलेज से एडमिशन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा उनका ताल्लुक रहता जरूर, हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और उन्होंने एमफिल बिजनेस मैनेजमेंट में किया है, और उसके अलावा पीएचडी भी उन्होंने कर रखी है बिजनेस मैनेजमेंट में। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में
इनवाइट करूंगा डॉक्टर प्रकाश अहमद को कि वो आए और फूड रिस्क डिपार्टमेंट के हवाले से और उसके आगे के जो सेगमेंट्स हैं और क्या क्या ऑप्शन हो सकती है डिटेल सेशन पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाएँ आपकी बहुत सारी कारणों में डॉक्टर प्रकाश अहमद। Dear students, respectable teachers and vice principal sir, और मेरे फ्रेंड अस्सलाम सर, आज का जो टॉपिक है वो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है। कॉमर्स क्या क्या डेवलपमेंट ला सकती है पाकिस्तान में अगर हम कॉमर्स की तरफ आए तो, और सिंपलिटी क्या है, इफ वी नीड कॉमर्स, और है भी सही, इकॉनमी हमारी इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है, हम एक अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया के चक्कर लगा और एक अरब डॉलर नहीं मिला, ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स बिजनेस की एक फील्ड है, बिजनेस एक वाइड स्कोप है एंड लीगल एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन वन प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी कानूनी सा करना जो हमने प्रॉफिट कमाने के लिए किया उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो बिजनेस है। शराब का कारोबार पाकिस्तान में कानूनी नहीं है, वही कारोबार यूके में कानूनी, ठीक है। और कॉमर्स क्या करती है कि जो प्रोडक्ट्स कारोबार इंडस्ट्री के जरिए बना रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं पर जहां पर उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचा देती है, वहां तक पहुंच गए प्रोडक्ट और उसके इवज में आपको क्या मिल गया, डॉलर मिल गया, इंटरनेशनल करेंसी मिल गई, गोल्ड मिल गया, वो क्या है, वो वर्थ है आपका इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर। कॉमर्स वो फील्ड है जो देने वाली फील्ड है, लेने वाली नहीं, आपको भी देगी, आपके मुल्क को भी देगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा देगी। पाकिस्तान का रवैया ये है, जब से पाकिस्तान बना है 1960 से लेकर 1970 तक इस फील्ड को बड़ा ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा, वो अयूब खान की मेहरबानी थी और वो मेहरबानी चंद एक खानदान तक थी, उसकी वजह से इस फील्ड ने ग्रो किया और इतना ग्रो किया आज भी वही खानदान हम पर कब्जा है, आज भी उन्हीं का ही कब्जा है। तो हमें आजादी चाहिए तो फिर बिजनेस, अगर हमें आजादी चाहिए तो फिर बिजनेस, अगर हमें रिसोर्स पर क्लेम करना है इस कंट्री के तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, ऑनरशिप पोजेशन लेनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं। कॉमर्स का जो फील्ड है ये इंटरप्रेन्योरशिप को जन्म देता है, इंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं है कि मेरा बड़ा सा एक हैवी इंडस्ट्री हो, इंटरप्रेन्योरशिप ये भी है मेरा एक छोटा सा कोचिंग सेंटर हो, कैरियर काउंसलिंग डेवलपमेंट के साथ साथ मैं अगर अपना एक कोचिंग सेंटर रख देता हूँ अमेजोन का, इसी तरह अकाउंटेंसी का, इसी तरह मैनेजमेंट का, इसी तरह सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसी तरह मार्केटिंग का, ये इतने वाइडर स्कोप है कि मैं गिनाते गिनाते टाइम कम पड़ जाएगा। तो बेटा कॉमर्स जो है इस वक्त मुल्क की जरूरत इसलिए बनी हुई है कि आप जो स्टडी करोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ये नहीं है स्टडी करके फिर किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो आप फिर वही इस सिचुएशन में आ गए। सैलरी सर, सैलरी को आटे में नमक के बराबर है, असल चीज क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट पर क्लेम करना है, प्रॉफिट पर क्लेम कब होगा, जब आप कॉमर्स पढ़ोगे, पढ़ने के साथ साथ इंप्लीमेंट भी करोगे। हमारा अलमिया ये है, मेरे से पीएचडी स्पीड में है लेकिन इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो रिस्क नहीं ले सकते, जमशेद साहब दिल गुर्दा वाला कह रहे हैं, क्या है, रिस्क नहीं लेना ना, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया जिसने रिस्क लेना है उसको रिस्क देना है, बल्ला और या जब मैं ये शौर बगैर हिसाब, और अल्लाह कुछ लोगों को बेहिसाब रिस्क देते हैं, हम सैलरी पर सब गिन कर लेते हैं और ऑनर गिन कर देते हैं तो वो तो इस आयत में आता ही नहीं। जैसे अनीस रॉ साहब ने कहा है कि कॉमर्स तिजारत बिजनेस में अल्लाह ने 99% या 90% रोजगार रखा है तो हम तो 10% के पीछे हैं, फिर कैसे इकॉनमी ग्रो करेंगे। आप लोग अगर कॉमर्स में आते हैं, पढ़ते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेटा ये सिर्फ पढ़ने तक नहीं है, असल प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल कब होगा, जब आप लोग नियत तहैया इन्ना लमाल बिल नियत, नियत बांध लोगे कि इस मुल्क को हमने अपने पांव पर खड़ा करना है, अब ना सिर्फ इस मुल्क को पांव पर खड़ा करना है, भिखारी पन से भी निजात दिलानी, इसकी इकॉनमी स्ट्रांग तब होगी जब आप स्ट्रांग होंगे, आपकी पर्सनल इनकम ही नेशनल इनकम बनती है और आप जो वर्क करते हो वही जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वही है जो आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो उसकी वैल्यूएशन की जाती है,
उस वैल्यूएशन को उस मुल्क की इकॉनमी के तौर पर दिया जाता है कि किस मुल्क की जीडीपी कितनी है, और उस हिसाब से उस मुल्क के साथ दुनिया ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। हमारी जीडीपी अगर हम देखें तो इस वक्त $300 बिलियन की है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था और एक ही वैल्यू भर के आया, ये नहीं है वो ज्यादा सही है, उनकी जीडीपी $2,500 अरब है, $2.7 ट्रिलियन। हम उस पर कैसे मुकाबला करें? हम इस तरह मुकाबला करें कामर्स के साथ। अगर आज हम इंडस्ट्री कामर्स और इस तरह आ जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हमारी इंपोर्ट से आता है डॉलर बाहर जाएगा, इंपोर्ट होगा हमें वो पाकिस्तानी रुपीज में थोड़ी देगा दोहरा, वो तो कहेगा डॉलर लाओ, डॉलर कहां से लाएंगे? आईएमएफ से मांगेंगे, क्योंकि हमारे पास तो नहीं चपरा। जब डॉलर आईएमएफ से लेंगे कर्जे बढ़ेंगे, या लोकल लेवल पर जिसका कर्जा हम पर चढ़ा हुआ हम उसके आगे आंख नहीं उठा सकते, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम कैसे आजाद हो जाएंगे? $100 अरब से ज्यादा लेकर खाया हुआ अमेरिका आईएमएफ और दीगर ममालिक का, तो हम उनके आगे आंख कैसे उठाएंगे? ₹10 देने वाले किसी के गली मोहल्ले में तो उसके आगे नहीं बोलते यार ₹10 मांग लेगा, क्या इज्जत है? तो बेटा आने वाली जो जनरेशन है अगर ये अपने आप को रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करना चाहती है और खुद चाहती है कि हमारे पास ऑनरशिप है, ना कि एम्प्लॉयमेंट, नौकर नहीं मलकियत, तो उसे चाहिए कि ये सब्जेक्ट ना सिर्फ पढ़े बल्कि इसे इंप्लीमेंट भी करे। इस सब्जेक्ट की जो अगर स्कोप देखा जाए, स्कोप इतना वसी है कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, आपकी आपका गुडाउन, आप डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेल, रिटेल, जितने भी फील्ड्स हैं सारे इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच है। इसे निकाल दें तो बिजनेस खत्म, दुनिया ठप, दोबारा बाटर सिस्टम पर आ जाएंगे। चावल दो गंदम दो, कपास दो गंदम, फिर वो स्टोन एज में चले। तो इस वीर ने हमें बताया जब से इंसान को पता चला कि चीज की कदर होती है, वैल्यू होती है, उस वैल्यू को इंट्रोड्यूस किसने कराया? कामर्स ने। पहले ऐसे ही कि भाई ये चीज इतने की है, इतने गोल्ड के सिक्कों की, फिर स्लोली स्लोली वो जब बढ़ता गया दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जो कि इंग्लैंड लेकर आया था, पहली मरतबा जब इंजन बना था कोयले पर, तो हाथ से चलने वाली स्टैंडर्ड कोयले वाले इंजन पर आ गया प्रोडक्शन बल्क क्वांटिटी में। अब उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कामर्स की फील्ड दी जा रही, पैकिंग से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक जितने भी मरहाइल हैं उनकी स्टडी कामर्स। अब ये जितने भी मरहाइल हैं ये सारी फील्ड्स हैं, एक मरहला एक पूरी कंप्लीट फील्ड है, और जो जो इस फील्ड में जितना महल होता गया वो उतनी उतनी तरक्की करता गया और वो मुल्क डिवेलप होता गया। आज दुनिया में जो कॉमर्स को लीड कर रहे हैं अमेरिका नहीं है, चाइना है। 3 प्रयासों को वो अपनी प्रोडक्ट्स या दूसरे मुल्कों से आउटसोर्स करके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और डॉलर कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा तिजारत इस वक्त उसके अंदर है। और हम दुनिया में बेहद सुपर पावर है जिसके पास न्यूक्स है, एटम बम है, लेकिन वो कॉमर्स की फील्ड में जीरो है, शून्य है, $0.3 बिलियन हमारी ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट है और इंडिया की $300 बिलियन कहां उससे मुकाबला है? ई कॉमर्स की फील्ड बड़ी 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 है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स है, अमेजोन, अलीबाबा, ये जो कंपनी है अमेरिका की है $2,000 अरब $2 ट्रिलियन उसकी। और अगर हम ऐसे ही लगे रहे कि अल्लाह देगा बंदा खाएगा, तो अल्लाह भी उन्हें ही देखता है जो बंदे हाथ चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं, वर्क करते हैं, उन बंदों को नहीं देखता जो कहते हैं अल्लाह मालिक। वो मालिक तो है, उसकी मलकियत को कौन चैलेंज कर सकता है? वल्लाह वाला क्रिएशन तभी, वो तो कादर मुतलक जात है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना कि वो मुतलक ना रहे, वो तो हर चीज पर कादर है। हमारी नियतों का फतूर है, जो करना है हमने आज ही करना है, आज से अभी से तहैया कर लो भाई करना है, नहीं तो फिर 75 साल और वेट करते हैं, तुम्हारी आने वाली तीसरी नस्ल देखेगी हम आईएमएफ को बिक चुके हैं या नहीं, $1 अरब ले लिए या नहीं मिला। मकसद इस सेमिनार का इसको हमने दिया भी यही है कि सेल्फ डेवलपमेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप डेवलप होगे तो आपका मुल्क डेवलप होगा।
आप डिवेलप ना हो और आप चाहो मुल्क डिवेलप हो जाए, ऐसा कहीं मुमकिन ही नहीं। आपकी इनकम बढ़ेगी, आप काम करने लग जाओगे, प्रोडक्टिव काम करोगे, मुल्क की नेशनल इनकम खुद ब खुद कंफर्टेबल होती जाएगी। हमारे पास 8.5 करोड़ नौजवान है सर, और सारे अब्बा से लेकर टच करते, एज क्या है 25 to 35 years, अभी भी अब्बा पर डिपेंडेंट है। ये तो सलाम हो हमारे पाकिस्तानी बापों को, फादर डे था कल, उन्होंने हमें संभाला हुआ है, वरना हम तो आईफोन के अलावा और टिकटॉक के अलावा चल ही नहीं सकते। हमें क्या पता है बिजनेस क्या है, हमें क्या पता 5 रुपए कैसे कमाने हैं, 10 रुपए, हमें तो ये पता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख वाला आईफोन कैसे परचेज करना है, बाप से कैसे निकलवाने हैं पैसे, ये आज हमें आता है। नहीं आता तो हमें अपना इकोनॉमी को मजबूत करना, अपना आप मजबूत करना, अपने मुल्क को मजबूत करना, अपने लिए प्रोडक्टिव काम करना नहीं आता। तो ये आज अगर सीखेंगे तो आने वाले वक्त में आप नहीं आपकी नस्ल इसका फल है। इंडिया 2000 से लगातार इस फील्ड की तरफ, आज उनके जनरल मोटर्स से ज्वाइंट वेंचर है टाटा मोटर्स, जिसमें 60% टाटा मोटर का शेयर है इंडिया में और 40% नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एमएनई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है, जो कि 200 दुनिया के मुल्कों में काम कर रहा है। इंडिया ने उसे इतना बाउंड कर दिया, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो गया, चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ रहे हैं? हमारे पास तो 1 अरब के लिए लारे पड़े हुए हैं और वो तो 1 अरब 2 अरब ऐसे ही उगा देते हैं, 200 अरब रुपए के उन्होंने रफेल तैयार ले लिए, 200 अरब डॉलर के। अगर हम इसी तरह ग्रो करते रहे जैसे कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में एटम बम खा रहे हैं उनके तोड़ कर। तो हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना है, हमें खुद को भी डिवेलप करना है, मुल्क को भी डिवेलप करना है। वो क्या तरीका है? वो तीजा है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ और फॉरनर की प्रोडक्ट्स का रिलाय करना कम से कम कर, मेड इन पाकिस्तान, मेड बाय पाकिस्तान, असेंबल बाय पाकिस्तान, इस फील्ड में सारा यही सिलेबस है। और मैं इतना ही कहूंगा सर कि अगर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे तो मुल्क का फायदा, मुल्क का फायदा तो हमारा फायदा, अगर हम तरक्की नहीं करें तो ये मुल्क खुदा न खास्ता किसी का फिर गुलाम बन गया, वो कोई भी हो सकता है सुपर पावर में से, लाजमी नहीं है अमेरिका हो, चाइना भी हो सकता है, जो सी पैक का दाना डालकर हमें ही घेर रहा है और घेरता जा रहा है मुसलसल। हम 20 अरब डॉलर को तो देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो खुद मुख्तियारी है वो भी क्लच हो रही है, वो भी उनके पास गिरवी रखी जा रही है। तो ये चीज़ें हमारा नौजवान अगर जानेगा और वो कोशिश करेगा, इससे पहले चाइना यहाँ आकर बिजनेस डिवेलप कर जाए, हमारे नौजवान के छोटे छोटे यूनिट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, जिनको स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है, जिस पर टैक्स भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इंसेंटिव भी है बिजली पर और दूसरी चीज़ों पर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर पर टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेट, आपकी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस पर टैक्स भी नहीं होता, तो आप टैक्स से भी फ्री और बिजनेस की फील्ड भी इंजॉय करें, पढ़े भी सही, लर्निंग प्लस अर्निंग की तरफ आए। बहुत हो गया अब्बा के रिसोर्सेज पर बड़ी अयाशियाँ कर दिया हमने, 75 साल हम लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं, आप अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 75 नहीं तो 10-15 साल चल के देख लेते हैं इसके मुताबिक, फिर देखते हैं हम इंडिया की तरह चेंज होते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मौजूद मेहमान ग्रामी का भी और रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल का भी और डियर स्टूडेंट्स आप का भी, बस इतना ही कहना। सर बड़े आप थैंक्स, बड़ी खूबसूरत और बड़ी आरोपीत से बात की कांग्रेस में डॉक्टर कासिम ने। मैं उन्होंने एक बात पूछनी, एक बात ऐड करती थी अपने आखिर जो हमारे आज के केंद्रीय मौसम डिपार्टमेंट के हवाले किधर है उनको बुलाऊंगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि इंडिया नो डाउट वो बहुत आगे है, करंट जो लेटेस्ट मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी है उसमें नई सलाह है, उसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वैसे तो हम
ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं किसी और चीज़ को, खुद आपको यूनिकॉर्न कहा जाता है। लेकिन यूनिकॉर्न मार्केटिंग की एक नई टर्म आई है जिसको ब्लूमबर्ग और जो बड़े बड़े बिजनेस के हैं उनकी तरफ से यह टर्म, इस टर्म को डिफाइन किया जाता है कि जो भी कंपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में $1 बिलियन की वर्थ रखती है, $1 अरब की, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। Would you believe कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इंडियन है? सिर्फ एक सेगमेंट में इस वक्त उनके 100 यूनिकॉर्न हैं। जैसे सर बता रहे थे, आप देखिएगा हमारी टोटल इकोनॉमी कितनी है, उनके एक सेगमेंट में $100 अरब के वो मौजूद हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा ना कि हम क्यों इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? वो इसलिए कि आपसे इंटरनेट है इस मुल्क की डेवलपमेंट, अफराद के हाथों में है, अवाम की तकदीर है, हर फर्द है हिदत के मुकदम का सता। टाइम की तो बहुत कम है, इस पर बहुत डिटेल बातें और भी हो सकती थी, लेकिन मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हमारे आज के जो आखिरी कैबिनेट काउंसिल डिपार्टमेंट से हमारे मेंबर हैं, बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, मार्केटिंग के हवाले से बात करनी हो, इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करनी हो, जो पर शोभा इकोनॉमिक्स हैं, एमफिल इकोनॉमिक्स हैं, बच्चों को गाइड करने के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी वो एक बहुत ज़बरदस्त उनके पास नॉलेज है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैं आज के हमारे आखिरी मुकदर हमारे आखिरी पार्टिसिपेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं, उनको बुलाऊंगा कि वो आए और कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें हमारे आज के गेस्ट को। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाए मोहम्मद शाह। सबसे पहले तो ये कि मुझसे टाइम रह गया है, हमने जाहिर है ऑफलाइन भी मेरे काम भी कॉलेज का होने वाला है, तो बिल्कुल कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि आप दो चार बातें जो है वो भी आपके सामने रखूँ। सबसे पहले बेटा आपको ये क्लियर होने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे भाई जिनको हमने इसी पर्पज़ के लिए बुलाया है, आप दो मिनट मज़ीद ज़रा कंसनट्रेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फ्री करने लगे हैं। इस सेशन के बारे में मेरे दो दोस्तों ने ऑलरेडी आपको अच्छा डिटेल्स के साथ ब्रीफ किया है, मैं कुछ जनरल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करता हूँ। इस वक्त तक तकरीबन 250 जो स्कूल्स हैं मैं विज़िट कर चुका हूँ मेट्रिक लेवल पर, उसके अलावा हमारे कॉलेज का जो एडमिशन ऑफिस है वहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ मेरा जो है वो रास्ता रहता है, पेरेंट्स के साथ। मैं हमेशा ये चीज़ फील करता हूँ जब भी स्टूडेंट से क्वेश्चन किया है, चाहे स्कूल में जाके मैट्रिक की क्लास को या जहाँ एडमिशन लेने के लिए जो बच्चा आ रहा है उससे जब क्वेश्चन पूछा है कि बेटा आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो बहुत बड़ी अक्सरियत है हमारे स्टूडेंट की जिसके पास कोई जवाब नहीं होता, यानी कोई फातर का डायमेंशन उनके माइंड में नहीं होती। अमूमन यही कहते हुए सुना गया है कि जी मेरे वालिद साहब फैसला करेंगे, या मैं देखूंगा, मैं एक दफ़ा मैट्रिक कर लूँ, मैं एक दफ़ा एफएससी कर लूँ, फिर डिसाइड करूँगा कि मैं क्या करूँगा। प्लीज़ बी अटेंटिव हियर। अपर पंजाब और लोअर पंजाब में जो फ़र्क हमने महसूस किया है वो एक ही फ़र्क है, मैं कहता हूँ कि फिज़िकली आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप, कोई कमी बेशी नहीं है आप में, सिर्फ एक चीज़ की कमी है वो है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बगैर आप अपनी डायमेंशन सेट कभी भी नहीं कर सकते। आज के सेमिनार का मकसद भी यही था कि आपको उनको बुला के चंद बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए जिनकी बुनियादों पे आप अपने फ्यूचर का डिसीजन कर सकें। मेरे पास ऐसी हंड्रेड्स एग्जांपल्स हैं हमारे एलुमनाई की, यानी मैट्रिक में नंबर उसके 100% है, किंग एडवर्ड से डॉक्टर बनाने के ख्वाहिशमंद थे पेरेंट्स, बट वो डॉक्टर नहीं बने, वो मेरे पास आया कहते कि आईकॉम में एडमिशन कराना है। पहले तो मैं भी हैरान हुआ कि हमारी सोसाइटी को डॉक्टर इंजीनियर के अलावा ये नाम भी नहीं लेती, तो इनको क्या हो गया? पता चला कि उसके वो भाई के एडवर्ड से खुद डॉक्टर है और CGPA उसकी 4 out of 4 है और गोल्ड मेडलिस्ट है, और अपने ही भाई को आईकॉम में दाखिल
फिर कराने आए बैठे जिसके 9.505 मार्क्स है। तो मैंने उसको हैरानगी से देखा तो मुझे कहने लगे आपके क्वेश्चन में समझ सकता हूँ। मैं थोड़ा मुस्कराया, मैंने कहा खैरियत तो अपने भाई को आप भाई कॉम में दाखिल करा रहे, ये क्वेश्चन मैंने तजस्स नहीं किया, मुझे पता था। उसने कहा सर हमारी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी है, मैं अपने भाई को आई कॉम करवाने के बाद सी ए करवाऊंगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी का हिस्सा बताऊंगा। आपको पता है बच्चों एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इक्वेलेंट टू 10 डॉक्टर्स, और अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ देते हैं तो 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज इक्वेलेंट टू 500 डॉक्टर। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं आप इस चीज की तस्दीक करेंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनाने वाला आई कॉम का स्टूडेंट, हमारी सोसाइटी में आई कॉम को इंफीरियर समझा जाता है, बदकिस्मती से हम समझते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही है। और खासतौर पर मैंने एक और चीज नोट की है अपने स्टूडेंट्स में कि जिस स्टूडेंट के आधे लकी भी मैट्रिक में नंबर कम आ गए किसी भी वजह से, मैं कहता हूँ स्टूडेंट का कसूर नहीं है, उस इदारे का कसूर है, सोसाइटी का कसूर है, पेरेंट्स का कसूर है। हो सकता है उसको कोई इन्वायरमेंट ना मिला हो जिसमें वो एक्सेलरेट कर सकता, तो इन्वायरमेंट ना मिलने से अगर उसके नंबर मैट्रिक में कम आ गए डजंट मीन कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। है आज के सेमिनार का मकसद यही है कि जिन बच्चों का मैट्रिक में 2 स्कोर होता है वो अपने आप को इंफीरियर ना समझेंगे। एक डॉक्टर इम्प्लाई होता है लेकिन निश्चित मेडिकल कॉलेज चले जाए या हॉस्पिटल चले जाए उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा होगा, जो मैनेजमेंट में बंदा बैठा होगा जिसके अंदर डॉक्टर्स हंड्रेड्स के हिसाब से काम करते हैं वो कॉमर्स का होगा, वो मैनेजमेंट का होगा। इसी तरह आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, किसी भी शोबे में चले जाए, चाहे इंजीनियर चाहे किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का जीएम जो जनरल मैनेजर होगा जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है कॉमर्स का होगा। आप बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स यहाँ स्टेट बैंक के जो ऊपर बैठे हैं गवर्नर बैठे हैं, आपके वजीर खजाना बैठे हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लोग बैठे हैं जो मुल्क के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और एक चीज जहन में रखें, इकॉनमी जिस मुल्क की बेहतर है उसके सारे मामला बेहतर है, इसी तरह जिस घराने की इकॉनमी बेहतर है उसके घर के मामला दुरुस्त है, और एक फर्द की अगर अपनी इकॉनमी बेहतर है तो उसके सारे हालात बेहतर है। अगर इकॉनमी ठीक नहीं है तो आप हालात को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बेटा आज के सेमिनार का हमारा मकसद लो स्कोर जो लेकर बच्चा आता है उसको हम डिफरेंट डायमेंशन और ऑप्शंस दें ताकि वो भी अपने आप को एक प्रोडक्टिव शहरी बना सके और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि खानदान के लिए अर्निंग का सोर्स बने, बोझ ना बने। तो आज के सेमिनार में जितनी भी चीज़ें आपके सामने हमने रखने की है उनका एक ही पर्पज था, और साथ ही आपको बताते चले कि मुस्लिम कॉलेज का हमेशा से ये विजन रहा है कि लो स्कोर स्टूडेंट को हमने प्रमोट करना है, हाई स्कोरर को हर कोई अट्रैक्ट करता है। हमारी जो हमारा पर्पज है, हमारा जो मकसद है कॉलेज का, वो लो स्कोरर को हम कामयाब करते हैं, और ये हमारा मोटो बन गया है। मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि जो बच्चा कामयाब नहीं हो पाता, जो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जिसके लो स्कोर है, मुस्लिम कॉलेज उसको भी कामयाब कर देता है, और सुन के बड़ी खुशी होती है इस चीज़ से। और आज के सेमिनार का पर्पस भी यही है कि आप लोगों को गुलाब की मैसेज दिया जाए कि बेटा अगर आपका मैट्रिक स्कोर लो है तो डजंट मैटर, आपकी तमाम एबिलिटी जीरो नहीं होगी, हम आपको ग्रो करेंगे इंशाल्लाह अपने ही कॉलेज के अंदर। कंप्यूटर लैब में ही हम सॉफ्टवेयर एक हाउस बनाने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे मेम्बर्स दोस्त होंगे, तो मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं अमेज़न और इस तरह के लाइक जो मार्केट में हो रहे हैं वहाँ पर बड़े हैवी पैकेजेस पे वो हो रहे हैं, हम इंशाल्लाह डिस्काउंटेड पैकेज पे यहाँ मुस्लिम कॉलेज के अंदर उसका इनाकात करेंगे। पर्पस सिर्फ ये होगा कि लो स्कोर बच्चा जहाँ एजुकेशन हासिल करे हमारे पास आके वहाँ साथ ही साथ ये कोर्सेज करे डिस्काउंटेड रेट पे और अच्छी खासी अर्निंग जो है वो करे। तो इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहमानाने गिरामी का, जिस तलबा आपका, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया टीम का, मुस्लिम कॉलेज की बहुत अच्छा काम करते हैं आप माशाल्लाह, पूरी दुनिया को हमारा मैसेज पहुंचाते हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया आने का। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, मीडिया टीम भी और हमारे जो कैरियर काउंसलिंग डेवलपमेंट टीम है, हमारे वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, हमारे तमाम असातिज़ा की टीम, इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। काउंसलिंग डिपार्टमेंट का आज का जो सेमिनार था मैं बताता हूँ कि रिसेंटली हमने ये इनिशिएटिव किया और ये इसका पहला सेमिनार था जो कि मेन फोकस हमारा था मैट्रिक के बाद के ऑप्शंस पर। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सेमिनार था मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
अभी बहुत सारे हमारे जैसे ज़बरदस्त किस्म के थॉट प्रोवोकिंग जो हमारे सेमिनार्स हैं वो प्लान हैं फ्यूचर में, जैसे लावली साहब उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने आपको बताया कि बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स पर अलग अलग हम बात करेंगे, आपको बताएंगे भी सही के लिए कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। और ये हमारा आज का मेन फोकस था कांग्रेस फेस्ट पे, आपको जितनी हमने कोशिश की जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकी आपको पहुँचाई जाए। थैंक यू सो मच।